गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 5 ऑफ गॉड मदर इंग्लिश स्कूल। टुडे वी स्टार्ट ईवीएस सब्जेक्ट चैप्टर 21 लाइक फादर लाइक डॉटर। लेट्स रीड द पैरा फर्स्ट। आची आसिमा वॉज सिटिंग नियर द विंडो एंड रीडिंग। इट वॉज विंडी एंड देयर वॉज ए लॉट ऑफ डस्ट इन द एयर। सडनली आसिमा स्नीज लाउडली। आची आसिमा पेरेंट्स वेयर सॉर्टिंग आउट वेजिटेबल्स इन द किचन एंड हर मदर सेड सी स्नीज जस्ट लाइक यू डू। इफ यू वेयर नॉट हियर आई वुड हैव थॉट इट वॉज योर स्नीज। तो अब देखो चैप्टर का नाम क्या है, लाइक फादर लाइक डॉटर। ठीक है, जैसा पिता वैसे बेटी। ठीक है, उसके बारे में। अब यहाँ पे एक कैरेक्टर है जिसका नाम आसिमा है, जो विंडो के पास बैठी है और रीड करती है। और वो समय यानी देखा जाए जिस समय वो बैठी है उस समय यानी देखा जाए तो एकदम ठंड का समय था और हवा चल रही थी और यहाँ पे हवा में बहुत ही ज़्यादा डस्ट थी यानी धूल मिट्टी ये सब चीज़ें। और अचानक से आसिमा जो है वो चीखती है जोर से। ठीक है, और चीखती कैसे है तो आछी इस तरह से वो जोर से चीखती है। ठीक है, और आसिमा के पेरेंट्स क्या कर रहे होते तो किचन में जो है वेजिटेबल को अलग कर रहे होते। ठीक है, इस तरह का। और उसकी मदर बोलती है कि वो अपने पिता जैसा ही है, पिते जैसे ही है। ठीक है, यानी जैसे उसके पिता करते हैं उसी तरह से उसकी बेटी भी कर रही है। ठीक है, और अगर इफ़ यू वेयर नॉट हियर, अगर तुम यहाँ नहीं होते तो मुझे तो ऐसा ही लगता कि ये तुमने ही किया। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही तरह छींकते हो। ठीक है, इस तरह। फिर इन द टेबल्स आसिमा स्नीज जस्ट लाइक हर फादर। डू यू हैव एनी सच हैबिट ऑफ ट्रेट विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ समवन इन योर फैमिली? व्हाट इज इट एंड हुम इज इट सिमिलर टू? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया कि आसिमा जैसे अपने पिता की तरह छींकती है उसी तरह से तुम्हारे पास कोई ऐसी आदत है, तुम्हारा कोई मतलब इस तरह की हैबिट है जो हम देख सकते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स से मिलती जुलती हो या तुम्हारे कोई फैमिली मेम्बर से मिलती जुलती हो? ठीक है, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों की होती है। जैसे समझ लो कि कोई पेरेंट्स जो है थोड़ा बहुत बात करने में हकलाता होगा तो उसका बेटा भी शायद तो थोड़ा बहुत इस तरह से यानी दुखी होने पे हकलाता होगा, इस तरह से ये चीज़ होती है। ठीक है, हम देख सकते हैं कोई ना कोई सिमिलरिटी हमको देखने को मिलती है, या तो दोनों की स्माइल एक जैसी देखने को मिल जाएगी या दोनों की आँखें एक जैसी देखने को मिलेगी। तो ये सब कुछ ऐसी हैबिटेड है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम बोल सकते हैं मिलती जुलती मिल सकती है। ठीक है, ऐसा एक फैमिली में होता है। ठीक है, डज योर फेस और एनी वन एनीथिंग एल्स लुक सिमिलर टू दैट ऑफ समवन एल्स इन द योर फैमिली? व्हाट इज इट? ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि क्या तुम्हारे फेस के अलावा कोई और ऐसी भी कोई चीज़ है जिसमें तुम्हारे फैमिली से बहुत ही हद तक मिलते जुलते हो? जैसे देखा जाए तो ऊपर देख सकते हो। ठीक है, ऊपर हमको दिख रहा है कि बाल जो दो लड़कियाँ हैं उनके बाल एक जैसे तो ठीक है, तो हम देख सकते हैं उनके जनरेशन में। और इसके अलावा जो इसके बाल देख सकते हो तुम, इसके और इसके बाल एक जैसे। ठीक है, ये माता पिता है। ठीक है, पिता और बेटे हैं। ठीक है, और इसी तरह इसके बाल और इसके बाल एक जैसे। ठीक है, तो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेडिशन है जिस हिसाब से हम देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी सिमिलरिटी जो है हमको देखने को मिलती है फादर और सन में या फादर और डॉटर में। ठीक है, ये सब चीज़ें, और मदर और डॉटर में भी हो सकता है, मदर और सन में भी हो सकता है। ठीक है, तो बहुत हद तक सिमिलरिटी हमको देखने को मिल जाती है। Did someone tell you this or did you find it out yourself? क्या तुमने खुद से ये चीज़ ढूंढी या किसी ने तुमको ये बताया कि तुम्हारे में और तुम्हारे पिता में जो है इस तरह की सिमिलरिटी है, तुम्हारे मदर में इस तरह की और तुम्हारे में इस तरह की सिमिलरिटी है? ठीक है, ये सब चीज़ें पूछा जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है हाउ डू यू फील वैन पीपल कंपेयर यू विद समवन एल्स इन योर फैमिली एंड वाई डू यू फील सो? ठीक है, अब कोई किसी से कंपेयर करता है यानी तुम्हारे फैमिली में कोई इंसान होता है उससे अगर तुम्हारी कंपैरिजन करते हैं यानी तुलना करते हैं तो तुम्हें कैसा लगता है? ठीक है, तो ज़्यादातर अगर देखा जाए तो लोगों को अच्छा ही लगता है। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में गया है, तो हु लाव द लाउडेस्ट इन योर फैमिली। अब तुम्हारे फैमिली में ऐसा कौन सा इंसान है जो सबसे ज्यादा तेज हंसता है, ठीक है, यानी जोर से हंसता है, कोई ना कोई तो होगा, ठीक है। हु इज हुज आंट, ठीक है, अब कौन किसकी आंटी है उसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। नीलिमा हैड गॉन टू द हाउस ऑफ हर नानी, तो देखो नीलिमा जो है अपने नानी के घर जाती है, ठीक है। नानी कौन होती है, तो मदर्स मदर, यानी जो मम्मी होती है उसकी भी मम्मी को कहा जाता है नानी, ठीक है। और कब जाती है नीलिमा, तो जब स्कूल की छुट्टी होती है तब, ठीक है। और सी सो समवन कमिंग एंड वेंट टू टेल हर मदर, और वो देखती है कि एक कोई ऐसा, मतलब कोई एक जन आता है और उसकी मॉम को आके अम्मा बोलती है, अम्मा यानी कि मौसी, मौसी का मतलब होता है मदर की सिस्टर, ठीक है। और वो लोग उससे मिलने आए होते हैं, ठीक है। और हर मदर केम आउट टू सी हु हैड कम, और उसके बाद उसकी मॉम जो है वो देखने जाती है कि कौन मुझे बुला रहा है, ठीक है। और सी टोल्ड नीलिमा नो दिस इज नॉट योर मौसी, ठीक है। और वो नीलिमा को ऐसा बोलते हैं कि ये तुम्हारी मौसी नहीं है, ठीक है। और सी इज योर सिस्टर किरण, और ये तो तुम्हारी सिस्टर किरण है, ठीक है, इस तरह का। ठीक है, यानी हम देख सकते हैं नीलिमा जो है गलती से अपनी सिस्टर को जो है ऐसा बोल देती है कि अम्मा तुम्हारे अम्मा मौसी आई है, ठीक है, इस तरह का। मगर वो मौसी नहीं होती, वो उसकी बहन होती है, ठीक है, किरण। यू नो योर एल्डेस्ट नानी किरण इज द डॉटर ऑफ हर एल्डर सन, ठीक है। तो वो ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारी जो नानी है, ठीक है, बड़ी नानी, उसके जो लड़के हैं बड़े वाले, ठीक है, उनकी बेटी है किरण, ठीक है। और किरण इज योर कजिन सिस्टर, किरण क्या होती है, तुम्हारी तो कजिन सिस्टर होती है, ठीक है। और इनफैक्ट यू आर हर क्यूट सन समीज मौसी, और इसके अलावा तुम क्या हो, तो किरण के जो लड़की है, ठीक, लड़का है, उसकी तुम मौसी होती है, ठीक है, जिसका नाम समीर है, ठीक है, समीर की तुम मौसी कहलाओगी, जो किरण का बेटा है, ठीक है। मेक ए लिस्ट ऑफ द ऑल द फैमिली मेंबर्स फ्रॉम नीलिमास नानीज टू लिटल समीर, हाउ आर दे ऑल रिलेटेड टू नीलिमा, राइट, ठीक है। तो हम देख सकते हैं फैमिली मेंबर्स की लिस्ट बना सकते हैं जो नीलिमा के नानी से लेके समीर तक की, ठीक है, ये सब चीज़ें, तो कौन एक दूसरे से क्या रिलेशन रखता है उसके बारे में हम एक लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। इन योर फैमिली आर देयर एनी सच एग्जाम्पल ऑफ अंकल नेफ्यू और ब्रदर सिस्टर वेयर देयर इज बिग डिफरेंस इन द एज, तो देखो यहाँ पे ऐसा बोला गया कि क्या तुम्हारे फैमिली में ऐसा कभी हुआ है कि अंकल के जो लड़के लड़की है वो तुम्हारे एज से छोटे और तुम मतलब फिर भी वो मामा ये सब चीज़ें कहलाते हैं, ठीक है, इस तरह का हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों में होता है कि छोटी उम्र में ही मामा भी बन जाते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं, हाउ वी ऑल आर ऑल रिलेटेड, हम किस तरह से सब एक दूसरे से जुड़े हुए उसके बारे में देखते हैं। तो देखो नीलिमा जो होती है वो समीर के साथ खेल रही होती है, और उसकी मॉम ने यानी नीलिमा की जो मॉम है वो किरण को बुलाती है और कहती है सी माई नीलिमास हेयर इज लॉट ऑफ लाइक यू आर्स, ठीक है। अब नीलिमा यानी उसकी मॉम जो है किरण को ऐसा बताती है कि नीलिमा देखो देखो नीलिमा के बाल देखो वो तुम्हारे बाल जैसे ही है बहुत हद तक, ठीक है। देखो उसके बाल भी ठीक है यानी जाड़े हैं, ठीक है, इसके अलावा करली है और इसके अलावा काले हैं, ठीक है, तुम एकदम तुम्हारी तरह। इट्स गुड सी डज नॉट हैव हेयर लाइक माइन स्ट्रेट लिम एंड ब्राउन, ठीक है। अब इसके अलावा वो बोलते कि वो मेरे जैसे उसके बाल नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे बाल तो स्ट्रेट है और लिम है और ऊपर से ब्राउन है, ठीक है। नीलिमास नानी लाफ एंड सेड यस इजंट इट स्ट्रेंज वी सिस्टर हैड थिक कर्ली हेयर एंड नाउ अवर सेकेंड जनरेशन हैज सिमिलर हेयर, ठीक है। अब यहाँ पे नीलिमा की जो नानी है वो हंसती है और बोलती है कि ये तो बहुत ही अजीब है, ठीक है, हमारे सिस्टर में यानी देखा जाए हम बहनों में हमारे सबके बाल जो है कर्ली और ठीक है और हमारे सेकेंड जनरेशन के भी बाल एक ही जैसे हैं, ठीक है, इस तरह का वो बोलते हैं। नीलिमा वॉज
लिसनिंग टू ऑल दिस एंड सी थॉट वी आर कॉल्ड डिस्टेंट रिलेटिव बट हाउ क्लोजली रिलेटेड वी आर इन मैनी वेज. ठीक है, अब मिलेमा ये सब चीज़ें ध्यान से सुनती है और अचानक से जो है सोचने लग जाती है कि हम इतने दूर के रिश्तेदार हैं फिर भी जो है हम बहुत हद तक एक जैसे हैं. फाइंड आउट एंड राइट डज नीलिमा हैव कर्ली हेयर लाइक हर नानी. ठीक है, क्या नीलिमा के बाल नानी की तरह कर्ली है. नाउ यू लुक फॉर सम स्पेशल ट्रेड इन योर ब्रदर और सिस्टर. और यही चीज तुम अपने भाई और बहनों में देख सकते कि क्या उनके उनकी कोई भी ऐसी चीज़ जो है तुमसे मिलती जुलती है, जैसे आँखों का कलर, डिम्पल, या फिर गाल, या फिर हाइट, या फिर नोज, ठीक है, या फिर आवाज़, ये सब चीज़ें देख सकते हो. ठीक है, और ये चीज़ कहाँ से आई है, तुम्हारे फादर के साइड से कि मदर के साइड से, ये चीज़ भी तुम चेक कर सकते हो. ठीक है, जैसे नीलिमा का अगर देखा जाए तो नीलिमा में नीलिमा के बाल जो थे वो कर्ली हेयर थे और उसकी नानी के भी बाल इसी तरह के थे. ठीक है, और ये चीज़ आई कहाँ से थी, तो उसकी मदर से. ठीक है, यानी देखा जाए तो यानी नानी के बाल भी कर लिए थे, उसकी मदर की बाल भी कर लिए थे और नीलिमा के भी बाल कर लिए. ठीक है, तो ये स्पेशल कैरेक्टर जो है ये तीनों में थे, यानी लड़कियों में. ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू.